good at your place. A warm welcome to you all in today's Hindi class. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे वर्कशीट. क्या करना है इस वर्कशीट में? देखिए, see at the board now. चित्र देखकर शब्द लिखो. आपने देखिए कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं. आपने इन पिक्चर्स को, इन चित्रों को ध्यान से देखना है और उनके आगे उनके सही शब्द को लिखना है. पहले आपने वर्कशीट की थी, आपने मैचिंग की थी. आज हम इसके आगे इसके सही शब्द को लिखेंगे. तो देखिए, ये पिक्चर्स सारी मैम ने आपको रीड भी करवाई हुई हैं, दिखाई भी हुई हैं, इसीलिए आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ध्यान से देखिए, फर्स्ट पिक्चर किसकी पिक्चर है? आपकी दोनों बुक्स में है ये सारी पिक्चर्स. देखिए सबसे पहले किसकी पिक्चर है, बताइए ध्यान से देख के. थर्मस. यस, किसकी पिक्चर है ये बताइए? थर्मस. थर्मस, ये भी बताया था मैम ने आपको. क्या होता है थर्मस? थर्मस उसमें तो चाय डालती हैं. चाय, दूध, कुछ भी आपने गर्म रखना है तो हम किसमें डालते हैं? थर्मस में. अब इसके आगे हम लिखेंगे इसका सही शब्द. कैसे लिखेंगे देखिए. थ र म स. थर्मस इसकी पिक्चर है ये, थर्मस की. और इसके आगे हम क्या लिख देंगे? थर्मस. और थ में जो थ वर्ण है उसमें कभी भी लाइन आगे से नहीं लगती, हमेशा स्टैंडिंग लाइन से लगती है. इस चीज का आपने लिखते हुए ध्यान रखना है. मैम आपको बार बार बोलते हैं लेकिन फिर भी आप ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पिक्चर. देखिए किसकी पिक्चर है, देखिए ध्यान से किसकी पिक्चर है, बताइए मैम को. सारी पिक्चर्स, हाँ जी, किसकी पिक्चर है? अदरक. अदरक क्या होती है? अदरक वेजिटेबल्स में डालते हैं ना, जब भी कोई सब्जी बनाते हैं. ये खुद भी एक वेजिटेबल है लेकिन इसमें, इस सब्जी में हम इसे डालते हैं फ्लेवर्स के लिए. बहुत हेल्दी होती है ये, जरूर खानी चाहिए. तो इसके आगे लिखिए, क्या लिखेंगे हम इसके सही शब्द को? इसकी पिक्चर है ये, अदरक. सुंदर सुंदर लिखेंगे. अ को भी लिखते हुए हमें कभी भी लाइन आगे से नहीं शुरू करनी है. स्लीपिंग लाइन जो हम लगाते हैं ना, कभी भी आगे से शुरू नहीं करनी है, हमेशा स्टैंडिंग लाइन से करनी है. इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये भी मैम आपको बताते हैं. ये स्टैंडिंग लाइन है जो यहां से हम स्लीपिंग लाइन शुरू करेंगे, आगे से नहीं करेंगे. ओके, मूव टू नेक्स्ट पिक्चर. देखिए ध्यान से, क्या लग रहा है, किसकी पिक्चर है ये? बर्तन. यस, किसकी पिक्चर है? बर्तन. देखो क्या पड़ा हुआ है, कैसे बर्तन पड़े हुए हैं. देखिए छोटी छोटी कटोरियां. ओ, ये तो छोटा सा चम्मच है और छोटी सी कटोरी. यस, छोटा सा चम्मच, छोटी सी कटोरी, बर्तन है ना, जैसे आप छोटे छोटे स्वीट स्वीट बेबीज हो. ये भी देखो छोटी छोटी सी कटोरियां बनी हुई हैं. अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, क्या है ये? बर्तन. बर्तन, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, क्या बर्तन. है बर्तन. ब र त न, क्या बन गया? बर्तन. बर्तन से पिक्चर्स के आगे उनके शब्द को लिखना है कि ये किसकी पिक्चर है और इसका सही शब्द क्या है. मूव टू नेक्स्ट पिक्चर. देखिए किसका चित्र है, किसकी पिक्चर है? बरगद. ये तो हमारा नेशनल ट्री है. यस, एब्सोल्युटली राइट, ये आपका नेशनल ट्री भी, आपके एवीएस में मैम ने आपको करवाया ना नेशनल ट्री. तो विच इज आवर नेशनल ट्री? बैनियन. बैनियन को क्या बोलते हैं हिंदी में? बरगद. बरगद का पेड़. किसका पेड़ है ये?
बर्गर। यस बर्गर। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? बर्गर। 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 क्या लिखे इसके आगे हमने? बर्गर। बर्गर। लास्ट पिक्चर देखिए, किसकी पिक्चर है, क्या लग रहा है? ओ वाओ, जूस। यस, किसकी पिक्चर है? जूस। रेड रेड क्या होता है? जूस भी होता है, बिल्कुल पोमेग्रेनेट का जूस भी होता है, लेकिन ये किसकी पिक्चर है? शरबत। पीते ना सभी शरबत, सबको टेस्टी yes. लगता है। यस, ये किसकी पिक्चर है? ग्लास में शरबत। इसके आगे हम क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखना है इसके आगे? लिखे मैम, आप बोलो। शरबत, शरबत। यस, शरबत। किसकी पिक्चर है ये? शरबत। इसके आगे हम लिखेंगे शरबत। श र ब त, शरबत। क्या लिख दिया हमने? शरबत। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने पिक्चर्स को पहचान के उनके आगे उनके सही शब्द को लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है। इस वर्कशीट को आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और मैम को इसकी पिक्स सेंड करनी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।